स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्त इंडिया लगातार अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और रिसेंट कुछ टाइम में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक अहम पहलू रहा है और इसी कड़ी में इंडिया एक एयरबेस बनाने जा रहा है। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक और एयरबेस बनाएगा। गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के दीसा में बनने जा रहे एयरफोर्स का न्यू एयरबेस देश के डिफेंस कर्ल को और मजबूत करेगा। ये एयरफोर्स का 52nd स्टेशन होगा। दीसा एयरफील्ड गुजरात के नालिया और राजस्थान के फलौड़ी एयरबेस के बीच एक क्रिटिकल स्ट्रेटजिक गैप को भी कम करेगा। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में पाथ टू प्राइड थीम से शुरू हुए डिफेंस एक्सपो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दीसा एयरबेस का फाउंडेशन रखा। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दीसा में जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात होंगे तब वो किसी भी ऑडेसिटी का बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। आज के डिस्कशन में हम दीसा एयरबेस के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इसके बनने से पाकिस्तान के अंदर क्यों पैनिक है और ये स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए कितना यूजफुल है और इसके बनने से देश के कौन कौन से स्टेट्स पूरी तरह सेफ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीप्रेस मेंस के लिए स्टडी आईक्यू का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशन ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इम्पोर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31st of October है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। हिंदी में यूपीएससी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, किसी भी कंट्री की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी फ्लीट में कितने एयरक्राफ्ट्स हैं और उन्हें ऑपरेट करने के लिए कितने एयरबेस हैं। इंडिया जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन वाले देश में एयरबेस की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इंडिया अपनी वॉर फ्लीट में नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ डिफेंस एयरबेस के नंबर्स इंक्रीज करता रहा है। गुजरात के बनासकांठा में बनने वाले न्यू एयरबेस वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया का नया पहरेदार होगा। साउथ वेस्ट एयर कमांड में अभी गुजरात के कच्छ के भुज और नालिया में एयरफोर्स के एयरबेस हैं, वहीं राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर में एयरबेसेस हैं। ऐसे में इस एयरबेस के बनने से गुजरात के साथ साथ साउथ वेस्ट एयर कमांड की भी ताकत बढ़ेगी। इसके बनने से वेस्टर्न बॉर्डर पर ग्राउंड एंड सी ऑपरेशंस बेहतर तरीके से हो पाएंगे। लेकिन दीसा में एयरबेस बनने की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने और फाउंडेशन स्टोन रखे जाने तक करीब 2 decades से ज्यादा का वक्त लग गया। दीसा में एयरबेस बनने का आइडिया 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी लेड NDA गवर्नमेंट के दौरान आया था। तब इसके लिए लैंड एक्वायर भी करी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हो सका था। सेंट्रल में दोबारा BJP गवर्नमेंट आने के बाद इस पर 2017 से फिर से तेजी आई। इस बीच गुजरात के बनासकांठा में आए फ्लड्स में रिलीफ वर्क के दौरान आई परेशानी के बाद दीसा एयरबेस को प्रायोरिटी मिली। मार्च 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने फाइटर बेस के इस प्लान को अप्रूव किया था, जिसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके लिए बजट एलोकेट किया था। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि दीसा एयरबेस रिकॉर्ड समय में तैयार हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक 21 महीने में ये एयरबेस बन जाएगा, यानी 2024 तक इसका काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसे बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एयरबेस को पूरी तरह से डिफेंस एंड वॉर के अकॉर्डिंग डेवलप करने में इससे कई ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक इस पर 4,000 करोड़ का खर्चा हो सकता है। दीसा में एयरबेस करीब 4,500 एकड़ में बनेगा।
इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट पर रनवे, टैक्सीवे और एयरक्राफ्ट हैंगर बनाए जाएंगे। ये एयरबेस सिक्योरिटी के मद्देनजर स्मार्ट फेंसिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग फैसिलिटीज, सेंसर बेस्ड लाइटनिंग और सोलर पावर फार्म से इक्विप्ड होगा। इस एयरबेस के कंस्ट्रक्शन में कई इंडिजिनस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसके सेकेंड फेज में दूसरे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे। दीसा में मौजूदा वक्त में 1000 मीटर के रनवे के साथ सिर्फ एक एयर स्ट्रिप है, जिसका यूज सिविल और चार्टर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस और वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए होता है। इस एयर स्ट्रिप को अनरिजर्व तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, इसीलिए ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS उड़ान के तहत भी डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल है। ये एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिस वजह से इसके बनने के बाद एयरफोर्स की मौजूदगी बॉर्डर से काफी करीब हो जाएगी और दुश्मन अगर कोई नापाक हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। हमारे फाइटर प्लेन्स महज 2 मिनट में इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसकर दुश्मनों पर अटैक करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, दीसा एयरबेस की लोकेशन काफी स्ट्रेटजिक है, इसी वजह से वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए ये गेम चेंजर माना जा रहा है। दीसा एयरबेस की खास बात यह है कि इसके रनवे से न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकेगा। इस एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई, मिग, तेजस और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। ये एयरबेस इंडिजिनस हेलीकॉप्टर और DRDO के इंडिजिनस रडार का नया ठिकाना होगा। वहीं दीसा एयरबेस पर फाइटर एयरक्राफ्ट को दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए यहाँ नेक्स्ट जनरेशन हार्डेंड एयरक्राफ्ट सेल्टर यानी NGHS भी बनाया गया है। ये बंकर्स इतने स्ट्रांग होंगे कि इन पर 1000 किलोग्राम वजनी बॉम्ब से अटैक होने पर भी एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए 5500 करोड़ रुपीज अप्रूव किए हैं। आपको बता दें कि देश से लगे बॉर्डर्स पर 108 NGHS यानी नेक्स्ट जनरेशन हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए जाने वाले हैं। दीसा एयरबेस बनने से 3 स्टेट्स को एयर डिफेंस मिलेगा। इससे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े स्टेट्स की एयर सिक्योरिटी मजबूत होगी। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड यानी कि SWAC का हेडक्वार्टर्स गांधीनगर में है, जिसके अंडर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के एयरबेसेज आते हैं। आपको बताते चलें कि मौजूदा वक्त में इंडियन एयरफोर्स 7 एयर कमांड्स को ऑपरेट करती है। न्यू दिल्ली में वेस्टर्न कमांड और शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड है, जबकि प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड और तिरुवनंतपुरम में सदर्न एयर कमांड मौजूद है। वहीं गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, बेंगलुरु में ट्रेनिंग कमांड और नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है। इसमें उत्तर प्रदेश का हिंदौन लार्जेस्ट एयर बेस है। इन सभी कमांड्स का हेड एयर मार्शल रैंक के एक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते हैं। वेस्टर्न कमांड सबसे बड़ी एयर कमांड है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टोटल 16 एयर बेस हैं। वहीं ईस्टर्न एयर कमांड ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 15 एयर स्टेशंस को ऑपरेट करती है, जबकि सदर्न एयर कमांड सदर्न इंडिया के 9 एयर स्टेशंस और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 2 एयर स्टेशंस को ऑपरेट करती है। वहीं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पाकिस्तान के अगेंस्ट फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। बेहद इंपॉर्टेंट माने जाने वाली ये कमांड गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के टोटल 12 एयर स्टेशंस को ऑपरेट करती है। दीसा एयरबेस इसी एयर कमांड के अंडर बनने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एयरबेस के बनने से पाकिस्तान की घुसपैठ को काफी हद तक काउंटर किया जा सकेगा, क्योंकि बॉर्डर से काफी नजदीक होने की वजह से यहाँ से इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट की रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं वॉर की सिचुएशन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ डिटैचमेंट लगा दिया जाएगा, जिससे दुश्मन देश से मुकाबला करने में आसानी होगी। इसके अलावा दीसा एयरबेस दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए भी दीवार का काम करेगा। ये एयरबेस पाकिस्तान के मीरपुर खास, जकोवाबाद और हैदराबाद एयरबेस से उड़ान भरने वाले F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी आर्मर साबित होगा। अगर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गुजरात के इंडस्ट्रियल हब को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो उनकी पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट उन्हें हवा में ही आग के गोले में तब्दील करने में सक्षम होंगे। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ रीजन से अटैच्ड बॉर्डर पर एक्टिव नजर आ रहा है। उसने सिंध प्रोविंस के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के भुलारी में एक मॉडर्न मिलिट्री एयरफील्ड भी डेवलप किया है। इस एयरफील्ड में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से मिले JF-17 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है। वहीं हैदराबाद बेस से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी मरीन्स के SSG कमांडोज ने भी अपना बेस तैयार किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बेस कैंप से लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट को सी रूट से अटैक की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं वेस्टर्न बॉर्डर पर चाइना भी लगातार अपने ताकत को बढ़ाता रहा है।
इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक गुजरात बॉर्डर के पास मौजूद पाकिस्तानी एयरबेस पर चाइनीज एयरफोर्स भी एक्टिव रही है। वेस्टर्न बॉर्डर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ग्वादर की ओर जाते इकोनॉमिक कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए भी चाइना ने एयरबेस बनाया है। इसमें खेरपुर डिस्ट्रिक्ट का कडानवली एयरबेस भी शामिल है। ये बेस भुज बॉर्डर के बिल्कुल सामने है। इंटरनेशनल बॉर्डर से ये मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सिमिलरली चाइनीज सोल्जर्स बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थर्ड पार्कर में भी एयरबेस बना रहे हैं। इसका डिस्टेंस भी इंडियन बॉर्डर से 25 किलोमीटर ही है। इसके अलावा कराची, जैकोबाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोड़ा, पेशावर, मिनोनवली और रिशालपुर के एयरबेसिस को भी मॉडर्नाइज किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस एक्सपेंशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने दीसा एयरफील्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। वहीं दीसा एयरफील्ड से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ यानी HADR ऑपरेशंस को भी करना आसान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से अटैच्ड अपने रीजन्स में बेस कैंप बना रहा है और चाइना इसमें ना सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है बल्कि इलाकों में चाइनीज प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है, ऐसे में इंडिया के लिए दीसा एयरबेस को डेवलप करना बेहद जरूरी हो गया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने यूक्रेन वॉर से काफी सबक लिया है। इंडियन गवर्नमेंट देश की सिक्योरिटी के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। इस डायरेक्शन में इंडियन आर्मी को सेल्फ सपोर्टिंग बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया न सिर्फ लीथल वेपन्स का स्टॉक इंक्रीज कर रहा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इंडिया बॉर्डर से सटे इलाकों में अपने एयरबेस बना रहा है, साथ ही इन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। वहीं पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखने के लिए इंडिया ने तजिकिस्तान में भी अपने दो एयरबेस तैयार किए हैं। एक एयरबेस आइनी और दूसरा फरखोर में है। ये दोनों स्ट्रैटेजिकली बेहद अहम हैं। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान और चाइना की हरकतों पर नजर रखता है। दरअसल तजिकिस्तान की बॉर्डर चाइना, अफगानिस्तान और POK से जुड़ी है। चाइना से इसकी 520 किलोमीटर लंबी बॉर्डर जुड़ी है जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर की लंबाई 1420 किलोमीटर है। तजिकिस्तान और POK के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है, वहीं सियाचिन भी यहां से करीब है। ऐसे में इंडियन आर्मी के लिए तजिकिस्तान के ये एयरबेस पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखने के लिए बेहद अहम है। ये एयरबेस सियाचिन के वॉच टावर भी है, यानी ये जगह POK में पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए भी सूटेबल है। आइनी और फरखोर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स कुछ ही मिनट्स में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। अगर आप चाहते हैं इन पर अलग से वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी दीसा एयरबेस की, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की। आपके हिसाब से दीसा एयरबेस और किन सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करने में काम आ सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर टू काउंटर थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।